फ्रेंड्स, कैसे हो आप? स्वागत है आपका चाय शाय की दुनिया में। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे लास्ट वीडियोस सबको बहुत पसंद आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल एंड आई विल ट्राई कि मेरे आगे के वीडियोस भी आपको अच्छा लगे। तो आज चलते हैं किचन की तरफ, जहां हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट चाय। आई होप ये भी आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चले, तो आ गए हम अपने किचन की तरफ। तो अब मैं आपको बताती हूँ बिस्किट चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो आइए देखते हैं। ये हमने दो पीस आलू लिया हुआ है बॉईल करके, एक हमने ऑनियन लिया है कट करके, एक हमने टमाटो कट किया हुआ है, ये हमने धनिया की चटनी ली है, ये टमाटो केचप है, ये हमने धनिया पत्ती ली है, ये हरा मिर्च लिया हुआ है, ये अदरक है ग्रेट की हुई, ये हमने नमक लिया है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये व्हाइट पेपर पाउडर है और ये चाट मसाला। ये हमने भुजिया लिया है गार्निशिंग के लिए और ये हम बिस्किट यूज कर रहे हैं, पटाटा बिस्किट। इस बिस्किट की जगह आप स्नैक्स बिस्किट भी यूज कर सकते हो। तो अब हम प्रोसेस में आते हैं कि ये बिस्किट चाट हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये हम बड़ा बाउल लेंगे, इसमें सबसे पहले हम ये कट किया हुआ बॉइल्ड पोटैटो डाल देते हैं। ये हमने दो पीस आलू लिया है बॉइल किया हुआ, जिसमें हम एक पीस ये प्याज डाल देते हैं, एक पीस हम ये टमाटर चॉप किया हुआ डाल देते हैं, थोड़ी सी हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, ये हम थोड़ा सा इसमें अदरक डालेंगे, ये हम इसमें ग्रीन चिली डाल देते हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें अपना मसाला डालेंगे। ये हम हाफ टी स्पून नमक लेंगे, नमक आप कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जैसा तीखा आप पसंद करते हो लाल मिर्च पाउडर भी आप वैसे डाल सकते हो। ये व्हाइट पेपर पाउडर है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये उसमें डाल दिए। और ये चाट मसाला है, बिस्किट चाट बने और चाट मसाला नहीं डाले ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि चटपटी चाट है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक प्लेट लेंगे जिसमें ये पटेटा बिस्किट जो है वो हम इसमें लगा लेंगे। देखो इस तरह से हम लोग इन बिस्किट को सर्विंग ट्रे में या प्लेट में जिसमें भी हो हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमने सारे बिस्किट्स लगा लिए हैं। अब आप इन बिस्किट्स पे ये मसाला जो हमने मिक्स किया हुआ था ये आप इन बिस्किट्स के ऊपर लगा दो। ऐसे करके मैं सारे बिस्किट्स पे ये वाला मसाला को अच्छे से आप लगा दीजिए। ये हमने सारे बिस्किट्स पे मसाले लगा लिए हैं, ये हमारे सारे बिस्किट्स रेडी हो गए। अब हम इनमें डालेंगे, ये हमारी चटनी है जो हम सब बिस्किट्स के ऊपर डाल देंगे। ये हमने सारे बिस्किट्स पे चटनी लगा दी है। अब हम इस पे केचप डालेंगे, जैसा आपको टेस्ट पसंद है उस हिसाब से आप कम ज्यादा इसको कर सकते हो। ये हमने सब पे केचप डाल दिया है। अब हम इस पे ये भुजिया डालेंगे। हमारे भुजिया डाल दिए हैं और लास्ट हम इसको धनिया से गार्निशिंग करेंगे, जो कि सर्व करते समय बहुत सुंदर लगता है, इसलिए हम सबको डेकोरेट कर देते हैं। ये हमारी बिस्किट चाट रेडी हो गई है और इसको देख के तो मुंह में पानी आ गया। रेडी है हमारी बिस्किट चाट एंड ये बहुत टेस्टी लग रही है। आई होप आप लोग इसको घर पे पक्का ट्राई करोगे और आप लोग को ये पसंद आने वाला है। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया होगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज प्लीज इस
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करते समय बेल बटन दबाना ना भूलें। तो मैं जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगी।